सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है मेरे कैमरा के मुतालिक। कैमरा ख़राब हो गया यार, थोड़ा इसमें इशू आ गया। और मैं ये वीडियो यूट्यूब पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि डेफिनेटली मेरे बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइबर्स जो आप लोग हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज से हैं, यार पाकिस्तान में इस चीज़ का थोड़ा सा इशू है कि मैंने इसका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया था लेकिन उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, शायद आप मेरी हेल्प कर सकें। तो वेल, मैं आपको फॉल्ट जो है वो भी बता देता हूँ। मेरे पास है सोनी का A7R3 कैमरा, और इसमें जो प्रॉब्लम बेसिकली वो ये है कि जब भी मैं 4K पर रिकॉर्डिंग करता हूँ इस कैमरा से अपने, तो मेरे इस कैमरा में एक लाइन आती है कैमरा के अंदर। मैं आपको अभी यहाँ पर ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि वो लाइन किस तरह से शो करता है। तो सोनी के जो मोस्टली यूज़र्स हैं उनको पता है कि फुल फ्रेम कैमरा सोनी का जो है उसमें आप इसका सेंसर जो है वो क्रॉप करके भी वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं। सो उसमें आपकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फुल फ्रेम इसका जो जो इस बॉडी के अंदर जो फुल फ्रेम का ऑप्शन है जिसमें हम 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रिकॉर्डिंग में एक इशू जो मुझे फेस करना पड़ता है वो ये है कि जब भी मैं अपने सेंसर को क्रॉप करता हूँ तो मेरी LCD पर एक लाइन आ जाती है। मुझे स्टार्ट में ये लगा कि शायद ये जो लाइन है ये शायद LCD के ऊपर लाइन है और कैमरा की शायद LCD डैमेज हो गई होगी मुझसे। बट कुछ टाइम उस पर टेस्ट करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि बेसिकली वो लाइन जो है वो कैमरा की LCD पर नहीं है, वो बेसिकली इसके 4K मॉड की लाइन है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 4K पर मैंने इसको ऑप्शन ऑन कर ली है। और जैसे ही मैं इसको अभी मेन मेन्यू पर वापस लेकर जाऊँगा तो ये एक लाइन आप देख सकते हैं कि ये आ रही है। ये बेसिकली क्रॉप सेंसर की लाइन है। यहाँ से मैं फुल फ्रेम पर जब इसको लेकर जाऊँगा तो ये लाइन गायब हो जाती है। जैसे मैं वापस 4K क्रॉप पर लेकर आऊँगा तो ये लाइन नहीं आती। ये लाइन 1080 पर नहीं आती, किसी भी फुल फ्रेम या क्रॉप में 1080 पर शो नहीं करता। बट जैसे ही 4K पर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ से तो ये लाइन आती है। अब ये देखें 1080 पर ये बिल्कुल स्मूथ है, दोनों मोड के ऊपर ये लाइन नहीं है। रिकॉर्डिंग के दौरान ये लाइन जो है वो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड होती है जिसकी वजह से ये एक इशू है। और इसके अलावा यही लाइन सेम इसी जगह पर जब मैं इसको स्टिल फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ तो उस पर भी ये लाइन आती है, और उसके अंदर कंटिन्यूस शूटिंग के दौरान ये लाइन आती है। सिंगल शॉट अगर मैं कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें ये लाइन नहीं आती। तो डेफिनेटली एक अजीब सा ये बग है और मैं चाहता हूँ कि यू गाइस प्लीज़ हेल्प मी आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ताकि आप डेफिनेटली डिफरेंट कंट्री से हैं और आपके कंट्री में इनकी ओरिजिनली जो सोनी का केयर सेंटर होता है, सर्विस सेंटर होता है बेसिकली, वो आपके डेफिनेटली कंट्री में होगा। यहाँ फ़िलहाल नहीं है, तो मैं चूँकि ओपनली इसको चेक करवाया था तो वो प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सका। सो अगेन प्लीज़ गाइस, तो आप इस इशू को अगर आप किसी से पूछ सकें, आप किसी से बात कर सकें जो इस चीज़ को समझता हो। मैंने कैमरा को रीसेट किया है, मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, बट स्टिल ये प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सका। तो आपके हाथ है केस ये वाला, तो प्लीज़ आप अगर इस बारे में हेल्प कर सकें सो दिस मीन अ लॉट फॉर मी एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वॉल्ट मैं यूट्यूब पर इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में ऑब्वियसली चीज़ों का सॉल्विंग सोल्यूशन मिल जाता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनको आइडिया होता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से हल हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गो।